नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही वो अभी तक की बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देहरादून जिले में कामली रोड वार्ड नंबर 25 की व्यस्तम रोड है। क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं क्षेत्र पार्षद वार्ड नंबर 25 के मनोज जाटव ने बताया कि इस रोड में देशी शराब का ठेका है जो काफी समय से स्थित है, जिसके चलते रोड असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इस ठेके के आसपास से महिलाएं और स्कूली बच्चे और छात्राओं का आना जाना लगा रहता है और आए दिन इनके साथ छेड़खानी की घटनाएं होने एक आम बात हो गई। इस शराब के ठेके के कारण क्षेत्र में भय का माहौल भी बना रहता है, क्योंकि शराब के नशे में अक्सर यहां झगड़ा होता रहता है, क्योंकि ये ठेका घनी आबादी के बीचों बीच स्थित है, जिस कारण आसपास के लोग यहां होने वाले शोर शराबे से मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। और ठेके के साथ में एक घर है जिसमें 8 से 10 परिवार रहते हैं, जिसमें ठेके के ऊपर से खुले होने के कारण बगल में स्थित घर में रहने वाली लड़कियां महिलाओं के साथ शराबियों द्वारा अश्लील इशारे और छेड़खानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि देशी शराब के ठेके को अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जाए। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से ज्योति मौर्य की रिपोर्ट। यहाँ पर बस्ती है और बाजार है, काफी भीड़ का माहौल रहता है। यहाँ पर ठेका पहले बंद कराया गया था, लेकिन अब फिर ये खुलने वाला है। तो ये हमारी मांग है कि ये ठेका यहाँ पर ना रहे, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों के निकलना मुश्किल होता है, कोई एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। कि ये सबकी मांग है कि यहाँ पर ये ठेका नहीं चलेगा, यहाँ पर शराब की दुकानदारी यहाँ से कहीं और ले जाए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन होगा और जो भी करना पड़े आम जनता इसको करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बगल में घर है ठेके के, और ये ठेका बिल्कुल घनी आबादी के बीच में है, जो कि बगल में अस्पताल है जहाँ पे मरीज लोग आते हैं। पहले जब ठेका नहीं था तो लोग महिलाएं यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, जो आज के टाइम पे इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है किसी का भी। यहाँ पे शराबी शराब के नशे में बाहर खड़े रहते हैं, जब महिलाएं यहाँ से आती जाती है तो उनके साथ अश्लील तरीके की इशारेबाजी करते हैं। बगल में घर है जहाँ पे 8 से 10 परिवार रहते हैं, बिल्कुल ठेका ऊपर से खुला रहता है, गंदे गंदे तरीके के इशारेबाजी करते हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनके साथ इशारेबाजी होती है, कई बार यहाँ पे झगड़े का माहौल बन चुका है, जिसमें 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस यहाँ पे कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाती है। इस बार सबने जो भी अपना हमारे कामरोड का समाज है, पूरे आसपास के क्षेत्रवासी ठेके को हटाने के लिए सब राजी हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज चुके हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज चुके हैं, राज्यपाल जी को हम ज्ञापन भेज चुके हैं, कल हमने DM साहब के माध्यम से क्या नाम ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को, और वहाँ पे DM साहब का घेराव करके उन्हें ज्ञापन दिया है। हमने कल आबकारी विभाग का घेराव करके उन्हें ज्ञापन दिया है। इस समय से हम लोग 5-6 साल से हम लोग यहाँ झेल रहे हैं कि हमारे घर के सामने ठेका है, हमारे बच्चे छोटे थे, अब बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, भैया के बच्चे हैं, काफ़ी सारा माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और इतनी प्रॉब्लम होती है कि आने जाने वाले के लिए दिक्कत, घर के बाहर शराबी लोग पड़े रहते हैं, 24 घंटे लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं। और तो बहुत घनी आबादी में है, वो छोटे छोटे बच्चे जो रोड पास क्रॉस करते हैं उनको भी दिक्कत होती है। बगल में सब्जी मंडी है, शाम को सब्जी मंडी में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ लोग दारू पी के पड़े रहते हैं, रोड जाम हो गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी हरकतें उल्टी सीधी हरकतें करती है। तो ऐसा है, देखो हमारे यहाँ पेशेंट वगैरह एडमिट होते हैं, ठीक है, तो बंदा बीमार होता है जो भी है, और 2-3 दिन यहाँ आके रुकना पड़ता है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग बदतमीजी करते हैं, कोई यहाँ से पी के सीधा गली के बाहर निकलेंगे और सामने ही लेट जाएंगे क्लिनिक के सामने। क्लिनिक तो बिल्कुल बगल में ना, घर आसपास में, क्लिनिक बिल्कुल बगल में, पी के यहाँ से ज़्यादा पी के निकल के लेट गए यहाँ पे, यहाँ लेटे रहते हैं। पेशेंट को आने जाने में दिक्कत होती है, पार्किंग में दिक्कत होती है, आसपास घर हैं, लोग रहते हैं, लेडीज़ वगैरह हैं, बच्चे हैं, बहुत दिक्कत होती है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे इतना मतलब मुश्किल है ना कि लड़कियाँ निकल जो जाती हैं आसपास में बस्ती है, लड़कियाँ हैं उन पे फिर लोग गलत नज़र डालते हैं। तो ये मतलब घनी आबादी से हटा के ना इस ठेके को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे लोग मतलब नहीं रहते होंगे, बस्तियाँ नहीं हों, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा असुरक्षा का वो है। और पी के लोग ना, वो लड़के लोग जो भी हैं पी के लड़ाई झगड़े करते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ।